ईद उल जुहा के मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। नवाज शरीफ ने ईद उल अजहा को कश्मीरियों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति समर्पित किया है और कहा कि जब तक कश्मीर का मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक पाकिस्तान ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम कश्मीरियों के बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उन्हें उनके बलिदान का फल मिलेगा। हम इस ईद को कश्मीरी जनता के सर्वोच्च बलिदान के प्रति समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी जनता ने भारत से आज़ादी पाने के लिए अपनी तीसरी पीढ़ी का बलिदान दिया है। वो आत्मनिर्णय के अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय अत्याचारों का सामना भी कर रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। वहीं पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद से प्रभावित हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों को याद रखना चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब कश्मीरी जनता को अपने सर्वोच्च संघर्ष का लाभ मिलेगा। जल्द ही वे स्वतंत्र जमीन पर इन त्योहारों का जश्न मनाएंगे। एक तरफ घाटी की शांति बहाली के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे संदेश देकर कश्मीरियों को भड़काने का काम कर रहे हैं।